हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं श्रग की स्टिचिंग एंड कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 3.25 मीटर ये फैब्रिक लिया है। ये हमारा नेट का फैब्रिक है और इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम बंद वाली साइड से पकड़ के और नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने 17 इंच इसकी चौड़ाई ली है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा और कम भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसको पूरा नीचे तक हम इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, हमने पूरा काट लिया है। अब हम ऊपर से खुली वाली साइड से अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। 44 पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, हमने 44 पर निशान लगा लिया है। और इसको एक गोलाई दे देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमारी लेंथ है वहाँ तक हम इसको इस तरह से कुछ गोलाई देंगे। याद रखिए, हम अब ये गोलाई सिर्फ ऊपर की दो साइड पर देंगे। ये हमारी 4 लेयर्स हैं। हम इन दोनों साइड पर ये गोलाई देंगे। नीचे का कपड़ा हम नहीं काटेंगे, सिर्फ हम दो साइड दो लेयर्स काटेंगे ऊपर की। बहुत ध्यान से इसको हम काट लेंगे। ये हमने दो लेयर्स इसलिए काटी हैं क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा बनेगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और नीचे की जो दो लेयर्स हैं वो हमारा बैक वाला है। ये देखिए, हमने दोनों लेयर्स काट लिए हैं। अब हम यहाँ से, जहाँ से हमने 44 का निशान लगाया था, वहाँ से 10 इंच एक्स्ट्रा पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से कुछ पीछे वाले हिस्से को भी गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने ये छोटा बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि हमारा फ्रंट से ऊंचा रहेगा और पीछे से हमारा ये गाउन या श्रग हमारा नीचा रहेगा। ये देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ हमारी एक लेयर छोटी आ रही है, दो लेयर, तो इसमें हम नीचे से जो कपड़ा बचा था हमारा उसमें हम इस तरह से रखकर जॉइंट कर लेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और इसके बराबर कर लेंगे। इधर से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ऊपर से 3 इंच छोड़कर एक निशान लगाएंगे जिसकी लंबाई हम 6 इंच लेंगे और चौड़ाई यहाँ से 1 इंच लेंगे और इसको इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। खोलने पर कुछ ये इस तरह से दिखेगा। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इससे हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हम 15 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई हम 7 इंच रखेंगे। ये देखिए, हमने अपनी स्लीव्स काट ली हैं। अब हम अपने
श्रग को कुछ इस तरह से रखेंगे। इसकी साइड में कोई भी जोड़ नहीं आता है, इसमें सिर्फ आगे और पीछे ही जोड़ आते हैं, जिसमें हम पीछे सिलाई लगा देंगे जोड़ पर और आगे से हमारा ये खुला रहेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से इसे खोलेंगे और ये हमारा पीछे वाली साइड है, ये हमारी सिल जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, दोनों सीधे वाली साइड हमें अंदर रखनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है और ऊपर के जोड़ भी अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ से 3.5 इंच लेंगे नेक की चौड़ाई और इसकी लंबाई हम 4 इंच लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोनों निशान को मिलाकर इसे एक वी का शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट नेक काट लिया है अपना, इसी तरह हम अपना बैक नेक भी काट लेंगे। हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें स्लीव्स, आर्म होल में स्लीव्स अटैच करेंगे। यहाँ पर हम एक पूरे पर सिलाई लगा लेंगे, आगे हमें कोई भी सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसे अटैच करेंगे। नीचे की साइड से अटैच करना शुरू करेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए, ध्यान रहे सीधी वाली साइड, ये हमारी सीधी वाली साइड है और हमारी स्लीव्स की भी सीधी वाली साइड ही उस तरफ रहे। ये देखिए कुछ इस तरह से रखना है और इसको गोलाई में सिलते हुए यहाँ लाकर फिर यहाँ लाकर ख़त्म करना है। ये हमारी स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। हमने पीछे भी सिलाई लगा ली है और स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं और यहाँ पर एक हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम इस तरह एक पट्टी निकाल लेंगे। ये देखिए हमने पूरे में एक पट्टी निकाल ली है, इसकी मदद से हम नेक तैयार करेंगे। इसके किनारे किनारे एक सिलाई लगाकर पूरा गला तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा श्रग तब बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को